हे वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। हम हैं सलमान के साथ में कोन गांव में कल्याण से करीब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलमान, ये जो है अभी लोकेशन हमारा कोन गांव में एग्जैक्टली कहाँ पे है? ये कल्याण शहर के करीब है एकदम कोन गांव, और कोई भी दरगाह मस्जिद अगर बोलेगा तो इंशाल्लाह अपने नियर बाई में आपको वहाँ से पिकअप कर लेंगे सामने। और वेल नोन जो है अपनी मंडी है कोन मंडी, बराबर कोन मंडी बोल सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के और बड़े साइज के जी, और सारे सेल करने के हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं रखना है, सब सेल करना है सारी चीज। फटाफट एक एक करके सारे बकरे हम देख लेते हैं जी जी, डिटेल्स हाइट वेट सब चीजें जो एक एक करके मेरे को खाली बता दो ठीक है जी। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करते हैं इससे कर लेते हैं, ये बच्चे से जी जी ठीक है। तो इसकी डिटेल क्या है? माशाल्लाह भाई 6 रात पे अरबत भाई बच्चा, और 6 रात पे तकरीबन 39 की हाइट है, 39 की हाइट, हाँ 39 के आसपास की हाइट है, और लेंथ देख सकते हैं अरबत भाई इसकी माशाल्लाह लेंथ है। और थोड़ा इधर इस साइड में आ जाओ, आवाज़ नहीं आएगी। और वो बात जो अच्छा है कोटा में जो चीज़ चाहिए ना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो सब है। ओके, तो ये जो है अभी अपने को सेल करना है जी जी, 6 लाख के ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 75 kg अप्रोक्स कंसिडर कर रहे हैं। और इसका वेट मशीन अपने पास है, अगर किसी को चाहिए रहेगा अगर तो करा देंगे, तो करा देंगे ठीक है जी जी। तो इसकी क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो प्राइस इसकी? अरफात भाई देखो अभी कोटा का डिमांड मालूम है ठीक है, लेकिन अपने घर आके तो अपन जितना वाजिब हो सकता है लोगों का शौक करा दें। तो फिर भी क्या आप मांग रहे हैं अरफात भाई? इसके अपन मांग रहे हैं 55,000 75 kg के जी जी ठीक है। तो ये जो है 75 kg के, अगर कोई आपको पूछे कि कैसा ये इसको जस्टिफाई करता है? जस्टिफाई सबसे पहली बात इसके चारों पैर देखो, उसके पैर एकदम इंटैक्ट है, और इसमें 20-25 किलो आएगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या बोले, इसके चारों पैर देखो, चारों पैर एकदम इंटैक्ट मजबूत, डबल हड्डी और खूबसूरती में अरफात भाई देखो ना, कलर कॉम्बिनेशन देखो शेरा कलर में एकदम प्यारा अच्छा, और इसको जो अजमेरा में कमान रहती है इसको वो आई हुई है सबसे मेन बात। दूसरी बात अरफात भाई, कोटा में जो सिंह सिख के शेर है सलामत, उसके वो सलामत तो कोटा में ज़्यादातर सलामत नहीं रहते। और खूबसूरत बच्चा है अरफात भाई, ऐसा भी नहीं कि बहुत 8 दांत हो गया है, 6 दांत का बच्चा है, मतलब 2 साल का। अच्छा माशा 2 साल का है, और इसको पोटेंशियल है इसके अंदर आगे, यानी कि आगे देखो पोटेंशियल है लेकिन हमने पालेंगे इसको, जो भी रहेगा आपको बता देंगे। जो अगर कोई पर्टिकुलर फार्म पे भेजना है या तो कहीं और पलवाना है नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो भी रिकमेंडेड ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने पास सेटअप है, लेकिन वो पर्सनल सेटअप है, पर्सनल सेटअप सेलिंग के लिए वो ज़्यादातर है हमारे पास ठीक है। तो हम दूसरा बकरा देखते हैं इसके बाद। ओके नेक्स्ट दूसरा बकरा इससे भी थोड़ा सब गरम वो तो है माशाल्लाह, अभी तो अपने रस्सी छुट्टी रखी है कि जगह का प्रॉब्लम कर देंगे तो लड़ लेंगे। और ये कारोली, कारोली बोल सकते हैं काइंड ऑफ कारोली, जिसके वाइट बहुत थोड़ा कपड़े कलर में वाइट पन ज़रा ज़्यादा है इधर, और ये नीचे भी पूरा ना वाइट पट्टा, और माशाल्लाह इसकी जो पेटी की लेंथ है अच्छा ये मतलब जीत गया है पेटी से। क्या हाइट है इसकी? 39 अप्रॉक्स 39 की हाइट है, 39 अप्रॉक्स होंगी इसकी, हाँ। और 6 रात पर ही बच्चा है, 6 दांत का बच्चा है, 39 की हाइट है बराबर जी जी, और देखा जाए तो 75-80 kg अप्रॉक्स, 75-80 kg माशाल्लाह। ओके, और इसके भी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसकी अपन मांग रहे हैं 56,000 जी, करीब करीब उतना ही है, करीब करीब उतना ही है, वेट में ज़्यादा है उससे, और माशाल्लाह इंटैक्ट है। और ये सब अरफात भाई 5-8 किलो वज़न मिनिमम गेन करेंगे मिनिमम बता रहा हूँ आपको, लेकिन आफ्टर सेट होने के बाद, सेट होने के बाद में जिसके पास जाएंगे, क्योंकि ये सब दाना पानी हर चीज़ खाते हैं। कितने दिन बचे क्या ईद को? कितने दिन बचे? तकरीबन 40 दिन बचे हैं। तो ईद तक क्या अगर कोई रखेगा तुम्हारे पास ही तो रखेंगे या वो भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं, क्योंकि अपना ट्रेडिंग का है, पैसा अपनी शौक से पालते और दे देते, फिर उसका ट्रेडिंग करते लास्ट का 1 महीना बेच के निकाल दे रहे हैं, बेच के निकाल के फिर अपनी ट्रेडिंग चालू करो ठीक है चलेगा। चलो इसके बाद अपन देख रहे हैं ये वाला
अजमेरा कलर वहाँ से एक अजमेरे अजमेरे में तो कलर यही आता है ना। इसमें दो रहता है, इसमें दो रहता है मतलब एक शाइनिंग वाला रहता है और एक ऐसे लाल में आता है, देखो जो कोटा का कलर है ना ग्लॉसी में, देखो ग्लॉसी में इसका थोड़ा ग्लॉसी और बारीक रोए का बच्चा है सबसे मेन बात। बारीक रोए, बारीक रोए मतलब ये हमको इमरान भाई ने सिखाया है, बारीक रोए के, बारीक रोए के बच्चे ज़रा मोटे तगड़े और पेटी में खूबसूरत दिखते हैं। अच्छा, मतलब बाल की वजह से उनकी पेटी छूटती नहीं। ओके ओके ऐसा। तो बाल की क्या डिटेल है? ये मेरे घर चार दांत में माशाल्लाह, चार दांत की हाइट है, चार दांत का बच्चा है और मेरा अंदाजा है 70 to 75 केजी होगा। 75 केजी आराम, 70 to 75 बोल रहे हैं, लगता रहेगा कम नहीं रहेगा। 40 की हाइट है इसकी, 39 39 ओके। और लेंथ तो देख सकते हो, चार दांत का बच्चा है ए, माशाल्लाह लेंथ अच्छी है, ये भी पलटने के लायक है बच्चा, एकदम एकदम सारे बच्चे जो पलटने के लायक है। इसके क्या मांग रहे हैं? इसके अपन मांग रहे हैं 45,000 और सब में नेगोशिएट कर देंगे अपन, कर देंगे कॉल के ऊपर। एक बार नंबर बता दो ना, तुम्हारा नंबर बता दो जो फार्म पे अवेलेबल रहता है। जी जी, वही बताओ। 8978976171717777 व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों इस पर अपना। ओके ठीक है, तो जो ये मैं पिंग कर दूंगा नंबर, जी जी, किसी को भी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी डिटेल जो है पर्सनली अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। हाँ, चलते फिरते हम वीडियो में ज्यादा चलते फिरते नहीं बता रहे क्योंकि इधर सब जगह बकरे बंधे हुए और कोई बताएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी। मैं अलग से प्रोवाइड करा दूंगा अगर किसको चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए। ओके ठीक है चलेगा। इसके बाद वो ब्लैक बकरा देखते हैं। अच्छा अजमेरा, अजमेरा माशाल्लाह इसकी डिटेल तो बहुत क्या डिटेल है। ये बकरा जो है ये समझ के चलो अरफात भाई, दो दांत के ऊपर सुपर अच्छा हो गया, मतलब एकदम यूनिक क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी और पलटी मारने वाले के लिए तो बहुत भारी। अच्छा तो इसकी क्या और ये वेट कितना है? मेरे ख्याल से 70 to 75 किलो रहेगा अप्रोक्स, 70 to 75 अभी रहेगा, अभी रहेगा। दो दांत है, दो दांत, 100 और पाल सकते हैं आराम से जाएगा, 120 to 125 भी चले जाएगा खिलाने वाले के ऊपर। जैसा जो फार्म का जैसा क्योंकि हाइट है ना अरफात भाई, अगर ये 38-39 का रहता तो आप बोलते 100 जाएगा 105 जाएगा। क्या आस्किंग है इसका? इसके अपन आस्किंग कर रहे हैं 50,000 50,000 इसमें भी अपन नेगोशिएट कर देंगे, ये अपना आस्किंग प्राइस है ठीक है, इसमें कम करेंगे अपन जितना हो सकेंगे अपने से करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे क्लाइंट के जो मतलब जो खरीदेंगे बकरा उसी के रहेंगे ठीक है। तो और इसके बाद कौन सा बच्चा दिखते हैं? इसके बाद ये कौन सी ब्रीड है? कोटा, कोटा, कोटा का है और ये छह दांत पे चौथा या छठे दांत पे सही और एक मेरे ख्याल से 37 to 38 के आसपास साइड रहेगी इसकी और वजन देखा जाएगा तो 65 to 65 और उसके बाद क्या इसकी आस्किंग प्राइस है? इसकी इंशाल्लाह अपन दे देंगे 36,000 में अफोर्डेबल है, कहीं ले सकते हैं। और जो मैं बड़ों के भी प्राइस बोला ना कैसा होने अरफत भाई, जो बड़े बकरे हैं ना वो 60 किलो के ऊपर गए ना अपन अजमेर में या कहीं से खरीदने आएंगे ना वो लोग 1,000 रुपये किलो के हिसाब से पकड़ते हैं। मैं आपको बता दूँ 60 किलो के ऊपर के बकरे, अच्छा ये हर जगह ट्रेंड चल रहा है, 80 किलो का बकरा है तो 80,000 मांग रहे हैं, वो भी हिसाब से अपन बहुत सही मांग रहे हैं पैसे और इसमें भी अपन नेगोशिएट करेंगे बोल के मतलब पकड़ के नहीं, क्योंकि मेरे को दूसरी जगह से जब महंगा आएगा तो मैं
जेब से डाल के नहीं दे पाऊंगा अरफत भाई, जो फैक्ट है वो बिजनेस है भाई। हाँ बिजनेस है, ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन, और इसमें जो भी मैंने बड़ों पे पैसे बोला उसमें नेगोशिएट करता हूँ। क्या रीज़न है जो इतना महंगा परचेस भी हो रहा है? लोग जा रहे बॉम्बे के जा रहे, पुणे के जा रहे, उनको बच्चा पसंद आ रहा है एक 70 किलो का, तो 70,000 रुपये में खरीद के ला रहे। जब मैं वही मांगने जा रहा हूँ तो दूसरे बकरों पर उनका जजमेंट आने, सामने वाले खेड़ूक ने मतलब वहाँ के जो खेड़े पाड़े के जो पालते हैं किसान, उसे तो 70,000 का बेचा 70 किलो, मैं मेरा क्यों बेचूं? बेंचमार्क सेट हो जाता है कि भाई 70। और अपनी लैंग्वेज सुने उनको तो ऐसा महसूस होता है कि अपन साउथ बॉम्बे या बांद्रा से, नहीं भाई हम लोग महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र बॉम्बे भी तो महाराष्ट्र में। नहीं नहीं मतलब एक सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी से तो महाराष्ट्रियन पे उनका एक सेट हो जाता है कि मतलब ये सब बम्बई से आए, उनका एक ही है। पुणे रहो कहीं से भी रहो, आप बम्बई की पार्टी हो, आपको हम 800-2,000 रुपीज पर के जी बेचेंगे। अच्छा ठीक है चलेगा। हम दूसरा देखते हैं, ये वाला देखो एक अच्छा बकरा, बहुत तगड़ा है, छोटा है, बहुत सारा यार है। इसको छूना मतलब बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से एकदम कोटा के, ये एक्चुअल पे कोटा की सिंग जो है ऐसी आती है, एक्चुअल ऐसी रहती है बराबर। माशाल्लाह। और इसकी जो हाइट लेंथ है कितनी इसकी? मेरे ख्याल से 37-38 के आसपास इसकी ये रहेगी हाइट। लेंथ का बहुत लंबा बच्चा है और खूबसूरती बहुत अच्छी है इसकी माशाल्लाह, और अच्छी और मेरे ख्याल से 4-6 दांत पे रहेगा। ब्राउन बच्चा है ये, थोड़ा लाइट की वजह से दिखने रहा है, एक सेकंड कोई दिखने रहा। कलर अच्छा है इसको। और क्या हाइट बोले एक बार फिर से रिपीट करो? 37-38 की हाइट है। 37-38 की 4-6 दांत रहेगा, देख लो एक बार, 4-6 है। मार रहा है ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग, और बहुत भारी बच्चा है। बच्चे तो सब अच्छे हैं इधर, जितने भी अपने पास पालने के चॉइस किए हुए बच्चे तुम्हारे पास किए हुए बच्चे, और ऐबदार नहीं कान दिन में थोड़ा बहुत 19-20 अगर है। हाँ वो काटे पीटे का तो बता के देंगे अपन, एक बच्चे में खाली वो जो दिखा है ना अपन ने, करोड़ा कोटा टाइप का जो कोटा है उसको ना हल्का सा काटा नीचे लगता है ना, जंगल में जो हां हल्का सा देखो, अभी उसको काढ़ी नहीं करते अपन क्योंकि मालूम है कुछ होता है नहीं उसको, तो करके फिर लोगों को झूठ बोलना का काम नहीं है, मतलब नहीं है। और हाँ बराबर है, मतलब नहीं है फिर लेवल करके, नहीं वो काटा लगा हुआ है उसको माशाल्लाह, वही बाकी सबका, बाकी सबका बराबर है, बराबर है ठीक है चलेगा। इसके बाद और ये अपना एक बच्चा बच्चा इसमें माशाल्लाह, देखो ये मालवे ने क्या तैयारी की, ये कौन सा मालवा, मालवा और पूरा ढोल मालवा एकदम गोल, और इसमें पोटेंशियल और भी है, अरे बहुत है, ये सब खाने में एकदम तगड़ा रहता है। और सेफ, और सेफ सबसे मेन बात है बच्चे का मुंह देखो कितना प्यारा है, मालवी के मुंह तो माशाल्लाह अच्छे आते हैं। और चार दांत पे, सिर्फ चार दांत पे, भी सिर्फ चार दांत पर, और 37 की हाइट, 36 की हाइट, हाँ 36 मालवी शॉर्ट हाइट में ही रहते हैं माशाल्लाह, ये लोग खाली गोल रहते हैं, उनकी हाइट मैक्सिमम है 36-37। और क्या इसकी आस्किंग प्राइस है? 4,037। और वेट कितना बोले? वेट मेरे ख्याल से 55 के जी के आसपास अप्रॉक्स बोलो, 60 भी जा सकता है। सारे वेट जो बोले हमने वो अप्रॉक्स बोले, वेट मशीन तो अपने पास फिलहाल इधर नहीं है। हाँ। लेकिन मशीन वीडियो में अवेलेबल करा देंगे, इसको वेट का कोई अगर पकड़ के बैठा है माइंड सेट तो करा देंगे, लेकिन मैं अप्रॉक्स बोलो इससे ज़्यादा दूर का फर्क नहीं पड़ेगा। आस्किंग आस्किंग इसकी अपने को देने का समझो 28,000 में फाइनल दे देने का। हाँ ठीक है चलेगा, ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे ये बकरे। इसके बाद दूसरा, इसके बाद इंशाल्लाह दिखा दूंगा। अभी जो बच्चा है ये मेवाती है, मेवाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी का, फुल पंच में आता है। इसका भी कान चबाया हुआ है क्या? उसका जो कान है ना, हाँ उसका चबाया हुआ है, इसका कान चबाया हुआ है। तो ये भी अपने से सेल हो जाते हैं? हाँ रिक्वायरमेंट जिस वजह से रहती है वो कैसा है, एक मुट्ठी का रहता है मोस्टली, लोग एक मुट्ठी देखते हैं, ये लोग का तो समझो खाली तड़ जो लास्ट है ना एंड पे वहाँ पे वह रहता है पूरा फटा हुआ, एक रहता आधा कटा हुआ, जो इंसान देखेगा ना तो उसके आँख में देख कर आधा चुपता है सीधा पकड़ लेगा। ये थोड़ा थोड़ा फिर भी अपन बता के देते हैं कि बाबा मेरी चीज़ें जमता है ठीक है,
नहीं जमता है तो अल्लाह उसकी मर्जी जो करा दे। बेशक बेशक। और ये और इसकी डिटेल क्या है? ये मेरे ख्याल से 45 kg अप्रोक्स रहेगा। हाँ। और 35 की हाइट रहेगी इसकी। कुछ अदन बच्चा? अदन बच्चा। दांत अभी तक गिरा है नहीं? नहीं नहीं नहीं। तकरीबन साल भर का है बच्चा ये? एक साल का है? नहीं नहीं नहीं, 10 महीने का रहेगा। 10 महीने का बच्चा? 10 या 11। दांत कर भी सकता है? नहीं भी। अच्छा, अभी एक बात बताओ कि अगर साल भर के ऊपर के बच्चे तो दांत से समझ में आते हैं, दो दांत है, चार दांत है तो समझ में आता है, 18 महीने और 2 साल का है। बराबर। अगर दो दांत के अंदर का बच्चा अदंत है तो कैसा उसका कंसीडर करेंगे? उसका कंसीडर ऐसा करेंगे, हेल्थ देखेंगे उसकी। हेल्थ? हाँ, उसके हेल्थ कैसी है, क्योंकि उसमें भी थोड़े मसले। अगर हेल्थ है, अच्छा मजबूत है और दांत हिला रहा है आसपास उठता है तो भी हो जाती है। नहीं नहीं वैसा नहीं, जज कैसा करेंगे भाई? कितने अभी तुमने 8 महीने का बोल दिया, ठीक है, मुझे तो नहीं पता यार, 10 महीने का बोले तो मेरे को तो नहीं पता 10 महीने का है, लेकिन मैं कैसा उसको जज कर सकता हूँ? तुमने कैसा उसको जज? दांत की पोजीशन से। दांत की पोजीशन, क्योंकि उनके जो दांत है ना उसके बीच में ऐसा गैप ऐसा चालू कर दे। ओके। ऐसा है, मतलब साल के करीब आ रहा है। ओके। तो उसके गैप से अपन मालूम पड़ता है कि ठीक है इसका रेशो इतना है, मतलब इतना रहेगा। जिसके एकदम इंटैक्ट और एक से एक चिपके हुए रहेंगे वो उतना कम, जिसके छोटे दांत की साइज रहेंगे उतना कम। ओके। डिस्टेंस देखना पड़ता है दांत की। डिस्टेंस और साइज दांत की। साइज बराबर। अभी दिखाऊंगा एक बच्चा, बहुत बेहतरीन है। तो आगे बताएंगे प्राइम। ये है बड़ा बच्चा है, मतलब छोटा बच्चा नहीं, बड़े बड़े मतलब ब्रीड लाइन का, अच्छी ब्रीड लाइन का है। जो लेने वाले रहेंगे उसके लिए बताएंगे। इसकी आस्किंग प्राइस क्या है? इसकी इसको आप देंगे एकदम अच्छे भाव में, जिसको चाहिए इसको आप इंशाल्लाह 23,000 में दे देंगे। 23,000 में। और बहुत क्वालिटी बच्चा है ये। मेवाती जो लोग देखते हैं ना वीडियो जो मंगाते हैं उनको मालूम है ऐसे ऐसे बच्चों के 27,000-28,000 रुपये बोलते हैं। मसला देने का बता दिया, इतने में देना है, कोई किसी का शौक हो जाएगा। ठीक है चलेगा। और उसके बाद में फिर ये कौन सा बच्चा है? ये अपना मेवाती कलर लाया, बाकी सोजत में। सोजत है? हाँ बोल सकते हैं सोजत का। सिंगनी है? नहीं। ये भी आदम थे? नहीं, ये दो दांत है। ये दो दांत की है। 35-36 अप्रोक्स इसकी हाइट है। इसका वजन है ना मेरे ख्याल से 48-50 के आसपास। आप 45-50 पकड़ लो। 45-50 पकड़ लेंगे उसको। और दो दांत बच्चा है, 36 की हाइट। हाँ, 35-36 पकड़ लो। और क्या इसका आस्किंग है? इसको आप 23,500 में दे देंगे। 23,500 में एकदम अच्छी कुर्बानी मिडल रेंज के हिसाब से, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 50 किलो का बच्चा लेने आएंगे तो 25-26 मांग ही रहे, वो हिसाब से तो आपने ठीक ही मांगे मेरे ख्याल से। ठीक है चलेगा। और इसके बाद में जो बच्चा है ये, इसके बाद माशाल्लाह थोड़ा सा ये दूसरे जो बच्चे हमने देखे इससे पहले वीडियो में, उससे थोड़ा उतरा हुआ बच्चा लग रहा है। ये काम की चीज़ है, जो अच्छे से मेहनत करता है ना, एक महीना जो मतलब ये थोड़ा दुबला है। क्यों दुबला है ये? क्योंकि थोड़ा मस्ती करता था, अभी तो अलहमदिल्ला सेट हुआ। क्योंकि इन लोग कैसा, इसके बाल भी गिरे क्या? नहीं नहीं, ये कैसा मालूम है क्या अरफत भाई? मोल्डिंग कर रहा है। हाँ, विटामिन, ये लोग ना ब्रीडिंग अच्छी कर लेते हैं पहले, फिर बाद में अपने को सेट करना पड़ता है इनको। ओके। हाँ, तो इसको कोई एक महीना खिलाएगा मेरे ख्याल से अभी भी 55 kg रहेगा। तो अपने तो सेट हुआ बच्चा? नहीं नहीं, ये उतना टाइम नहीं हुआ इसको। कितना टाइम हुआ गया उसको? समझो 15 दिन के आसपास हुआ। 15-20 दिन? 15-1 दिन हुए। टाइम लगेगा इसको सेट करने के लिए? या सेट हो गया खाने पीने में? हाँ। बट भरा इसलिए नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं, अगर 2 महीना रहता तो गोल दिखता था। क्लाइमेट सेट हो गया क्या? क्लाइमेट सेट है, क्लाइमेट भी खाता भी है पूरा। उसका फीडर देखो ना अरफत भाई, फीडर में तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, पत्ते डालते पूरे खाते हैं। और इसकी जो अपन हाइट बोल रहे थे, हाइट के बारे में बात कर रहे थे, एक बार हाइट दिखा दो इसकी। मेरे ख्याल से 40 रहेगी। टेप है? टेप से ही बता देते। 40 हाइट का बच्चा है अरफत की हाइट है माशाल्लाह इसकी, और बनावट में थोड़ा कम है लेकिन बच्चा बहुत अच्छा, प्यारा है। बच्चा का बहुत अच्छा है, मतलब कोई एक महीना इसके अच्छी खातिरदारी करेगा ना तो ये 10-1 किलो चले भाई, क्योंकि साइज है। और क्या इसकी आस्किंग प्राइस है? इसको इंशाल्लाह अपन इतने अच्छे रेट में देंगे कि अपने खुश हो जाएंगे सब्सक्राइबर। इसको अपन देंगे समझ के चलो सिर्फ और सिर्फ 26,000। 26,000 रुपये में? अब जो 40 हाइट का बकरा कोई दे दे 26,000 में तो बोलो। और वेट कितना बोला आपने इसका? 55 kg। 26,000 रुपये में 40 की हाइट के, अराउंड 500 kg, मतलब वही पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 40 की हाइट का बकरा अरफत भाई। बराबर है तुम्हारी बात की, लेकिन 40 की हाइट का बकरा मतलब 40 की हाइट का मार्केट सबको मालूम है, लोगों ने एक पर्सपेक्टिव बना लिया।
40 की हाइट मतलब मार्केट से बाहर है वो, तो ना केजी में बिकता ना इसमें लमसम बिकता है, लमसम बिकता है, तैयारी भी माशाल्लाह चाहिए ना, अल्फा पे 10 किलो प्लस जाएगा, 10 से ज्यादा जाएगा। अच्छा मतलब अभी भी उतरा है वो हिसाब से थोड़ा कम है होल्डिंग में, खुराक देखेंगे तुम तो बड़े अच्छी है इसकी खुराक माशाल्लाह, अच्छा अच्छा है। तो और जिसको भी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन इसके अलग रहेगा, इसके हम ट्रांसपोर्टेशन देंगे। एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए खाली, नंबर बता देता हूं अरफत भाई, मोबाइल हाथ में रखो क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। 8976 1717 2177 2177 व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों, ओके ठीक है चलेगा। माशाल्लाह ये बच्चा देखो अरफत का, कोटा कोटा माशाल्लाह, अच्छा लंबे कान है, कान बहुत लंबे और ब्राउन कलर में है, ब्राउन कलर में है, व्हाइट कलर के कान है पैच में और बहुत खूबसूरत लाइनिंग है बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, कल्याण एक चीज के लिए फेमस है, नाम हो गया अभी वो मंडी, मंडी का माल, तो इसमें से कोई मंडी का माल तो नहीं है? नहीं लाएंगे तो बोल के लाएंगे, बोल के देंगे, बोल के देंगे, मेरे तो बाजू में मंडी है, वही तो मतलब कैसा है, किसी ने मंडी में देखा भी नहीं रहेगा। नहीं नहीं भाई इसके लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये चीज़ के लोगों को ऐसा एक बोला ना सोच लोगों के नजरिया है लोगों का कि भाई अब मंडी के करीब है और ऐसे बकरे मंडी में भी मिल जाते हैं। हाँ, सोच लोगों की बता रहा हूँ, आसपास के लोगों का दिमाग जाता है लेकिन कैसा मंडी में ये सब चीज़ आएगी ना हर बात भाई। हाँ अगर एक ऐसी चीज आ गई ना तो मंडी में 100 लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि देवनार के बाद में कल्याण की मंडी भी अच्छी तरह से एक वैल्यू रखती है। कट्टू के इसमें तो मैं बोलता हूँ बेटर है, सबसे अच्छी है पूरे महाराष्ट्र में, उसमें से अपने बच्चे तो मतलब छोटे छोटे बच्चे बाद में रिजल्ट दे रहे हैं ऐसा कुछ बात भाई, जो खेड़ों को लोग वहाँ से जो मतलब किसान रहता है वो जो बेचते ना वो लोग अपने से शाने अरफत पे, तुम 2 घंटा स्क्रीन टाइम है उन लोग का 6 घंटा स्क्रीन टाइम है, क्योंकि पास टाइम ज़्यादा है। तुम मैं जॉब पे जाते अपने पास स्क्रीन टाइम का मतलब अक्का दिन यही देखता ये अच्छा ये है अच्छा अच्छा, तो वो अपने से ज्यादा चालाक हो गए, इनको काम ही और उन पे फोकस करते हो, उन 10 जगह ध्यान देते पट्टी में से पहले ही निकाल देते जो अच्छे। हाँ उधर बिक जाता है अरफत भाई, अपने पास जो एंड में जो बचता है फिर इन लोग खरीद के वो गोश्त पर्पस मीट पर्पस के लिए बेचते हैं। अच्छा और अपन ने जो ये भी देखो ये बकरा था, अब ये बकरा बड़ा है 40 हाइट का बकरा है लेकिन मैंने इसके प्राइस क्या रखा वाजिब, क्योंकि वैसी क्वालिटी है, अब जैसी क्वालिटी जितना शक्कर डालूंगा उतना मीठा होगा। मैं भी कोई कोई बच्चे अरफत भाई एक एक बच्चे ऐसे जो 60-60 हज़ार में हम लोग भी खरीदते, लोगों को बोलेंगे लोग हंसेंगे। बराबर है वो चीज़ भी, ठीक है चलेगा। चलो इसके बाद में हम आगे के देखते हैं सेटअप दूसरा, इसकी क्या आपने आस्किंग प्राइस रखे थे? 2 दाते हैं 35 के आसपास इसकी हाइट है और इसका वजन मेरे ख्याल से होगा 45 kg, 45 kg, हाँ 45 kg अप्रोक्स है। और इसके आप मांग रहे हैं 24,000। मैं थोड़ा कुछ कैलकुलेट कर रहा था कि बच्चा इतना अच्छा है तो कम से कम कितना कर सकूं। अच्छा हाँ मेरे ऊपर था लेकिन मतलब जाने दो, सब रेंज के बच्चे देंगे ठीक है चलेगा। नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं। हाँ उसके आगे ये बच्चा देखा था, ये बच्चा पर्सनली मेरे को भी पसंद आया, जो पालना चाहते हैं ना खस्सी करके जो पालना चाहते हैं ना, मैं वो नज़र में एक नज़र में बैठ गया कि इसको कमानी वगैरह जो है लंबी लेंथ का बच्चा जो रखना चाहते हैं ना भाई, तो वो बच्चा लेंथ में है, हाइट में बाद में आ जाएगा, फिलहाल तो वो छोटा बच्चा है। 35 की हाइट है, 35 की तो अभी हाइट है लेकिन अभी है। अगर ये लेंथ का बच्चा चाहिए तो कम से कम 40 की हाइट होनी चाहिए इसमें, इसकी इंशाल्लाह जाएंगे तवक्कल तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि अपने को उतना एक्सपीरियंस आ गया बचपन से पाल के कौन से बकरे 40 जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे। कमानी इसकी जो बच्चे की कमानी है ना बहुत खूबसूरत है, अभी फिलहाल अंडूल है लेकिन अगर कोई खस्सी करके पालना चाहता है तो वो भी दोनों ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि उसमें चमक खस्सी की है वही, और देखते हैं नजर में वही आया बात कि ये बच्चा 7 महीने का होगा भाई 40 किलो तो कम से कम रहेगा, 35-40 किलो होना चाहिए इंशाल्लाह आ जाएगा। और क्या इसका एक्सपेक्टेशन है, क्या इसके आप मांग रहे थे अरफात भाई 24 लमसम में 22 में दे दूँगा, 22 में फाइनल हम दे देंगे, मतलब चीज़ है नेगोशिएट कुछ भी नहीं होगा, नहीं 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 हो पाएगा, जगह पे आकर लिखे देंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मेरा बोलना है जो लोगों को जितना आने का जो लोकल के आओ आग से देखो लेके जाओ, क्योंकि अपनी चीज़ अच्छी है आग से देखो ले जाओ, जो दूर है वो सेटिस्फाई हो जाए, वीडियो मंगाओ क्या चीज़ की अपन प्रोवाइड कराएंगे जी, ठीक है चलेगा आगे के देखते वीडियो। और इसके साथ दूसरा बच्चा है, अजमेरी बच्चा, अजमेरी है वही वही नस्ल का, इसको भी चमक है और ये मेरे ख्याल 30 किलो के आसपास रहेगा। ओके 30 किलो के आसपास का बच्चा है और 28 से 30 किलो के आसपास है और मेरे ख्याल 5 महीने या 6 महीना सर से बड़ी 5 ही रहेगा 5-6 महीने और अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, अच्छा बच्चा है। इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इसको आप दे देंगे समझ के चलो 17,000 रुपये में, 17,000 फाइनल फाइनल, और वो 22 में राइट 22 अरफात भाई एक इनका हाथ दे, हाथ दे, ये सब तैयार तैयार बच्चे हैं
ये भी सेट हुए है क्या? इसको सेट करना पड़ेगा, सेट है ये देखो, वैसे मिक्सिंग हमारे तो कुछ नहीं भी है, नहीं पप्पू नहीं करते हैं। और ये एक्चुअली टेरेस पे जगह है, साइड पे है, तो भी माशाल्लाह अच्छा खासा सेट हुआ है। बस जो पानी का सामने खड़ी है बस, बराबर लग के टेंशन नहीं है इंशाल्लाह, बराबर ठीक है चलेगा। किसी से भी चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बकरी की साइज देगा, साइज की बकरी रहेगी ये, बकरी वही से परचेस किया, वही साइड की है, सेल करने के लिए नहीं, शॉप के लिए, शॉप के लिए कोई आएगा तो दे देंगे 37 38। छठा दांत लगाया है, 35 बाल पकड़ेंगे तो 36 भी जाएंगे, 35 के आसपास हाइट है और वजन समझ के चलो 50 के अराउंड वजन है इसका, 19-20 आगे पीछे होगा, 19-20 जो भी होगा अपन वर्धन कर देंगे अपन। और क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइस इसकी? डिमांड अपन कर रहे हैं 25,000। ये ब्लैक जो है कपड़ा, ये कपड़े गुलेरा कलर बोलते हैं इसको, बॉम्बे वाले गुलेरा कलर बोलते हैं राइट। ये गुलेरे कलर का बच्चा है और मेरे ख्याल से 2 दांत करा है उसने, तीसरा चौथा कर रहा है और मेरे ख्याल से इसका वजन का 35 में है और बच्चा भी पूरा गुलाबी मार्बल से है, मार्बल पूरा। क्या एक्सपेक्टेशन है इसकी? इसकी तो मेरे ख्याल से पर्सनल में जाएगा ये बच्चा, फ़ोन करके जो भी चाहिए रहेगा उसको फ़ोन करके आपको कांटेक्ट करो तो उसका डिटेल्स से बताएंगे। तो ये रीज़न क्या है पर्सनल का? पर्सनल का रीज़न है कि अपन थोड़ा कॉस्टली लेते हैं, फिर अभी कैसा अपन कॉस्टली ले लेते तो वो हिसाब से जिसको समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो अपन पाल लेंगे। इसलिए तो वो ऐसा रेंज रहेगा। फिर रेंज क्या रहेगा? नहीं रेंज मतलब 20 पार ही है इसके, 20 पार ही है, हाँ 20 पार है ऊपर मतलब। और ये 20 की चाहिए अभी? नहीं 13 के आसपास रहेगा भाई, 30 तो नहीं, 25 to 30 पकड़ लो, 25 to 30 पकड़ लो, वजन करा के दे दूँगा। और क्वालिटी है ये आखिरी है? हाँ ये अभी एक नायाब बच्चा देखो, आखिरी है ना ये बच्चा। ये बच्चे की तारीफ हो रही थी बराबर जब से मैं आया हूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है इसकी। अभी फिलहाल ये 8 महीने का बराबर, कितना बोले? मैक्सिमम 8 महीने, 7 महीना ही पकड़ो, 7-8 बहुत बारीक दांत है, 7 महीने वो हिसाब से इसकी भी 35 की हाइट है, 35 की मेजर करी हुई हाइट है, कम से कम ये बच्चा मेरे ख्याल से 45 से 50 किलो, 50 भी बोल सकते हैं। और तैयारी है बच्चे की? ये कम से कम मिनिमम 40+ जाएगा, 40+ अलग क्वालिटी है। रीज़न इसकी वजह से बोल रहे 40+ जाएगा, ब्रीड लाइन इसकी मेरे को मालूम है जहाँ से मैं लाया, उसके पास बहुत क्वालिटी के और सब ऐसे बच्चे रहते हैं। और ये जो अब इसकी हड्डी देखो, इसकी हड्डी की साइज़ देखो, ये जो बोन इसकी बोन की साइज़ है ना, ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह। गला पट्टी जो लिया है, कान लिया है अभी से बच्चे ने, ये सब ब्रीड लाइन के बच्चे ना, ये सब इतने पैसे ना हमने दे जंगल में कि अपन खुद लेने आते ना, ऐसे छाती के बच्चे बहुत सही आते हैं ना, ये इसकी भी जो है डिटेल्स क्या है इसकी पहले बताओ। ये 35 की हाइट कंफर्म मापी हुई है, 7 महीने का बच्चा है, 45 से 50 किलो कन्फर्म वेट है, 45 से 50 किलो कन्फर्म वेट। प्राइस इसको जिसको चाहिए मेरे को पर्सनल में डिटेल करे, या तो फिर आके देख ले, आके देखे सबसे वेल एंड गुड आके देखे। तो अवेलेबल रहते हो? मेरे कैसा, मेरे अलावा मेरा जो पार्टनर है ना वो इधर रहता है, कोई ना कोई अवेलेबल रहता है क्योंकि हमारे टेरिस पर है तो हम लोग के इसमें कोई ना कोई आ जाता है। मुंबई से कितना दूर है बाय रोड बोले तो? बाय रोड 60 किलोमीटर, कल्याण से बस 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा बस, ट्रेन से आएंगे तो कल्याण स्टेशन 1.5 किलोमीटर हार्डली है। ओके ठीक है चलेगा। तो रजिस्टर में चाहिए नंबर रिपीट कर दो तो आपको कॉन्टेक्ट करेगा जी जी सर। और व्हाट्सअप वगैरह कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है? कोई टाइमिंग नहीं, खाली कॉलिंग का, कॉलिंग का भी चलेगा, रात में कर सकते हो लेट नाइट तक की ड्यूटी, बिजी रहेंगे तो उठाएंगे नहीं फोन, कुछ नहीं। 89 मैसेज ड्रॉप कर देना 89 76 176 17 17 21 21 77 77। तो ये विलायती मेंढा है बराबर? जी जी विलायती मेंढा, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सिंगार बहुत खूबसूरत है, खुले हुए हैं
इनमें खुले हुए सींग अच्छे रहते हैं या क्लोज आपके हिसाब से क्या? खुले हुए देखो शौक के ऊपर अरफत भाई, जैसा कि इसके देख सकते हैं जैसा जो शौक करते हैं मतलब दूसरे भी शौक पर्पस में यूज होता है, अपन तो उसमें नहीं जाते इतना, लेकिन उनको ये पसंद आते हैं खुले हुए जोड़। हाँ जो शौक वाले करते हैं उन लोग यहाँ पे देखते हैं क्योंकि कितना इससे इसके नोज के ऊपर है और कितने जॉइंट है, मतलब पहला ये आना चाहिए जो खिलाड़ी लोग रहते हैं। अपना उसमें नहीं, अपना तो खिलाने पिलाने में और टबूल करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं वो पर्पस के लिए है फिलहाल। जी जी जी। और लेकिन माशाल्लाह इनकी गर्दन भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो ये जो तैयारी है अपने सेल में क्या एक्सपेक्ट की होगी? सेल जब करते हैं तो इसमें पूछ रहा था कि खुले हुए जोड़ जल्दी सेल होते हैं या जो ओपन होते हैं सही बाहर है? जी जी। या क्लोज जो रहते हैं जो अंदर एकदम टच होकर आते हैं गाल के पास? गाल के पास जो टच होकर आते हैं ना उसमें भी शौकीन के ऊपर है। 80% लोग खुले हुए को पसंद करते हैं। अच्छा। 20% लोग जो करीब में जाती है उसको पसंद करते हैं, मेजोरिटी इसकी। अपने सब जानवर अपने जो है ना सब खुले जोड़ के ही है। इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल है दाँत देख लेते कन्फर्म। देखो 14 दाँत करा है अभी इसने, चार दाँत और 65 केजी है वजन काटा मिल जाएगा। 65 केजी है वजन काटा करा के दे देंगे, जिसके तो व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करेगा तो आप उसको दे देंगे बराबर इंशाल्लाह। ठीक है। साइज देख लो अरफात बैग दिखाता हूँ, ये मेरा हाथ है ये देखो तो समझ में आएगा बच्चा। बहुत बहुत खूबसूरत है बच्चा, बड़ा है। ये कलर नहीं है कलर? ये दाग जो गंदगी लगी हुई है मेहंदी लगी है। हाँ घर के लोग ला के ना बच्चे लोग लगा। अच्छा मेरे को लगा वो नीला है तो रस्सी का उसका कलर आ गया। ऑलमोस्ट 2-3 जानवर पे लगा चुके हैं मेरे देखने को पहले। चार दांत, वजन कितना बोला? 65 केजी। और प्राइस क्या इसकी? प्राइस इसकी भाई दे देंगे 33,000। मार्केट के हिसाब से अफोर्डेबल है? बहुत अफोर्डेबल है भाई, पले हुए जानवर के हिसाब से बहुत अफोर्डेबल है। नहीं तो लोग मांगने को तो कुछ भी मांगते, बट मेरे हिसाब से अगर कोई शौक कोई पालेगा 1-2 महीना और शौक करेगा तो मेरे ख्याल से 10-1 किलो बढ़ जाएगा, 8 किलो, क्योंकि जैसा दे रहा रिजल्ट। एक महीना है अभी फिलहाल मतलब, एक महीना 5 किलो पकड़ लो अप्रॉक्स। अच्छा। 5 किलो बढ़ जाएगा। और ये सब 10-15 दिन पहले लेने जाएंगे तो भाई यही जानवर के 40 मंगने हो क्या मंगता है कोई भी भाई, 65 किलो के जानवर के 40 मांगे तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बाकी मैं देने वाला ही रेट बताया माशाल्लाह। ठीक है चलेगा। ये दूसरा हम देखते हैं इसके बाद में, ये भी विलायती। हाँ माशाल्लाह इसकी भी माशाल्लाह सींग अच्छी है, दोनों लेवल में है। और ये मेहंदी लगी हुई है बराबर। हाँ गुलाबी बन देगा अरफत भाई, बहुत अच्छा है। साइज उसकी बकरों की थी, लंबाई है बच्चे का, लंबाई भी है। और दांत देखो अरफत, दो तीसरा कर रहा है अभी, तीसरा कर रहा है दो दांत पर बच्चा है, दो दांत पर भी बच्चा है। ये भी 70 केजी है? हाँ आराम से 70-75 हो जाएगा वो। ओके इसके आसपास ही, कम नहीं रहेगा। और ये जो इसकी मींड की बोल रहा हूँ, मींड की बराबर, ये जो है वो निकाले क्या? नहीं, ये कैसा है, ये अग्रेसिव है बहुत जानवर जो है ना भाई। अच्छा, ये घसते रहते कंटे और लड़ते भी है। लड़ते का मतलब ऐसा है, जिसके पास से लिए थे ना पहले तो वो मतलब मोस्टली लोग लड़ाते भाई। अपना जो पट्टा है कल्याण पट्टे भिवंडी पट्टे के जो लोग है वो मोस्टली इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब ये बाहर से लेकिन ये आया ना जानवर तो यहाँ पे सेट हो गए क्या? सेट सब सेट है, ये सूखे दाने पे सेट है, गिल्ले पे कर रहे समझो 2-3 दिन में हो जाएगा ये वाला, बाकी सब सेट है। ठीक है चलेगा। और इसके पीछे क्या है? ये मेहंदी, ये भी मेहंदी है। उसकी धूम की साइज देखो अरफत भाई कहाँ पे आ रही है माशाल्लाह, लंबी धूम है, लंबी एकदम, जो दो इसमें रहते हैं शॉर्ट धूम में, ये लंबी वाली में एकदम। और ये आराम से अरफत भाई 80 केजी जाएगा। 80 केजी क्या? 85 भी चले जाएगा अभी है या जाएगा? जाएगा। और क्या अभी अभी क्या डिटेल है? और क्या इसकी आस्किंग प्राइस है? इसकी आस्किंग प्राइस है अरफात भाई 40,000 अराउंड, वही मतलब तकरीबन अफोर्डेबल अफोर्डेबल ही अरफात भाई। अगर देखा जाएगा तो इसके कोई 50,000 भी मांगेगा मांगने को आस्किंग बोल रहा हूँ, वैसा कोई हैरान होने वाली बात नहीं। हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लूंगा मैं मेरे हिसाब से। okay, ये सब बच्चे जहाँ से अपन लाते हैं ना अरफात भाई, हाँ। वहीं पे इनकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है ना, और उसके बाद में ट्रैवलिंग चार्ज भी लग जाते हैं। मालूम है आपको 4 दिन अरफात भाई लगता है, 3 स्टेशन बदलते उसके बाद आते जानवर। तो एक बार नंबर बोल दो ना तुम्हारा जिसपे कॉन्टेक्ट कर सके लोग। अपने फार्म का बता दो, 8976 व्हाट्सएप भी है और कॉलिंग भी है, तो अवेलेबल रहता है कोई ना कोई रिसीव। हाँ है, दो जगह है, हम लोग दोनों रहते हैं यही नंबर पे। ओके तो बेफिक्र कर सकते हो,
तो व्हाट्सएप कॉल पे या नॉर्मल कॉल भी? नहीं, नॉर्मल भी, व्हाट्सएप भी, जैसा करना आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोनों इस पे। ठीक है, चलेगा। तो ये तीसरा विलायती बच्चे, माशाल्लाह विलायती का पूरा रैंप लगा हुआ है जी, और सारे पुलिस छोड़ के एक थोड़ा सा, ठीक है बता दे इसके बाद में उसको भी। तो ये भी फ्री है पूरा, बाल माशाल्लाह। ये सबसे ये है हम लोग सबसे इससे कम में देना नहीं हो पाएगा ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और इसका ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा? ऑल ओवर इंडिया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहेगा वो सामने वाले पार्टी का रहेगा। ओके, सामने वाले पार्टी का रहेगा। और थोड़ा आराम से, अभी ईद का सीजन चालू हो रहा है जी, तो बकरी ईद के सीजन अभी से ऑलमोस्ट सब जगह से जानवर आना चालू हो गए। तो गाड़ी के जो बता रहे थे, गाड़ी के डिटेल्स बता रहे थे, गाड़ी के डब्बे में कैसा? गाड़ी के डब्बे में ऐसा है ना कि मेंढे एक ही जाते, दो नहीं जाते, क्योंकि ये लड़ लेते हैं ट्रेन के डब्बे में। ट्रेन के इसमें लोकल में कैसा, लोकल में जिधर भी रहे अपन ताबड़ तो उसी दिन करा देंगे। बट इफ ये अपना आउटसाइड है या लोकल के बाहर है, तो समझो 200-300 किलोमीटर है उससे ज़्यादा, तो फिर ये एक एक जाएगा। और ऐसा है कि लोगों के जा रहे हैं अरफत है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। गाड़ी पीछे से भरकर आती है, जैसा कि जैसे बॉम्बे है अपने, वहीं से स्टार्ट होता है, समझो गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। हम लोग के पास आने को उसको 70 किलोमीटर जो भी है डिस्टेंस, तो आते आते वो भर ही रहती है, हम लोग को नहीं डालने मिलते, तो लेट फास्ट होता है थोड़ा एडजस्ट करने का, एक आध हफ्ता 5 दिन ऐसे चलेगा। तो भी चाहिए तो डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे। और इसके बाद में जो दूसरा है, मतलब चौथा बराबर चौथा महीना, ये भी मिला थी। ओके, ब्राउन आपके पास ब्राउन है या अभी महंगी लगी हुई है? नहीं, हल्का ब्राउन। वो पेज दिखा दो कितना प्यारा है, कलर देखो कितना खूबसूरत है, कलर है। अच्छा, यहाँ पे कलर है, गर्दन के पास एक कलर है बराबर इसकी अरफात भाई अपने प्राइस है 37,000। 37,000 लेंथ देखो अरफात भाई, पूरा बकरा पूरा मेंढा बैठ रहा, और पूरा तर गुलाबी, सब तर गुलाबी। और ये भी हर जगह पे कहीं भी चाहिए आपको, जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है अगर, तो वो हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन अगर अवेलेबल है, कई गाड़ी अवेलेबल है, या कई गाड़ी जा रही है गुड़गांव से भी, जो मंडी है जी, मंडी से भी तो गाड़ी जाती है। हाँ, मंडी से लोकल में आ रहा हूँ, मतलब कैसे अपने पट्टे पे जाती है, मतलब नाला सोपाड़ा साइड, बॉम्बे साइड, रायगढ़ साइड, थाने साइड, लास्ट इतना। आप तुम बोलेंगे पुणे नासिक, तो इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये गाड़ी के अंदर भी जाएंगे, अगर किसी को चाहिए, अगर वो रिक्वायरमेंट है उसको, कि भाई गाड़ी में भेजो, कॉन्टैक्ट करा देंगे। ओके, तो गाड़ी में भी चले जाएगा जी जी, ठीक है चलेगा। और फिर उसके बाद में ये बच्चा, ये अरफात भाई, चले पूरा भी देखो, सिक्के देखो अच्छे के, सिक्के दिखा दो भाई, गुलाबी बन दे और सिक्के के जोड़े पूरी ज्वाइंट है अरफात भाई। और बहुत प्यारा बच्चा है, फ्लफी एकदम है इसके ना, फ्लफी है। क्या डिटेल है इसकी अरफात भाई? ये 52 किलो आज वेट हुआ इसका, दो दाते 52 किलो वेट है और दो दाते जी। और क्या आस्किंग प्राइस है इसकी? इसके अरफात भाई अपन मांग रहे हैं 25,000 रुपये। 25,000 रुपये जी। कैसे कैलकुलेशन है कि 500 के अराउंड पर केजी पड़ रहा है, राइट? लोग जो बेचते हैं ना, अभी हम लोग के इधर कल्याण भिवंडी में अप्रॉक्स 600 के आसपास जाता है, मैं बताता हूँ। अच्छा, लोकल हाँ, विलायती मंडे 600 के आसपास जाता है, मेरा ज़्यादातर जाता है 500 के आसपास। हाँ,
क्वालिटी तो उनकी 600-700 की अरफत भाई, क्योंकि एक भी चीज से ये नहीं करेंगे आप। देखो घुमा के दिखा सकते जानवर, देखो खाली ये जरे भी ना थके हुए है ना कुछ है, पूरे क्वालिटी में बच्चे पूरे सेट है। ये जो प्रॉपर क्वालिटी है माशाल्लाह मरीनो, लेंथ देखो माशाल्लाह, मरीनो में तो लेंथ आनी ही चाहिए, अगर मरीनो में लेंथ नहीं है तो मज़ा नहीं, बराबर है। बहुत प्यारा बच्चा है, फुल रिंकल रिंकल लेंथ और चाहिए ही मरीनो के अंदर तो संभालो निश्चित हो गया। क्या क्या डिटेल है इसकी, डिटेल भी बहुत प्यारी है उसकी, दो दांत करा है अभी जैसे। और वेट 75 kg ना अरफत भाई, मोस्टली पलटी लायक के थे वो भी, देखो तीसरा दांत कर रहा है 75 kg के अप्रोक्स था जिसके अपने 40 के मांगे हुए। और ये भी बच्चा, ये मेरा अंदाज 120 kg जाएगा अगले साल, 120 kg मेरा अंदाज है अगर क्यों पलटी करना चाहे अगर तो और मैंने देखा हूँ ऐसे बच्चे, मतलब क्या प्राइस चलती है मरीनो की सिंग वाले की वो तो सबको मालूम है। सलमान अगर कोई रखना चाहे तुम्हारे पास के भाई बच्चा अगर 120 किलो एक्सपेक्टेशन है अगर और बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास ही रखो 120 के आसपास बना कर दो अप्रोक्सीमेटली, कमिट में तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद करते अपन और एक खुद का बता देते कि ठीक है मेरा ये ध्यान है उतना, बाकी अल्लाह की जात। तो क्या रखते रखेंगे? नहीं ना अरफात भाई, अपना सेटअप तुमने देखे पर्सनल टेरिस पर है, अपने को अपने ही जानवर इतने हैं कि अपन ये नहीं कर, उसमें दूसरे का जिम्मेदारी हो जाती है अरफात भाई, बराबर है अपने इसमें जो होता है अपन ये कर लेते हैं। मसला है कि हमारे इधर कल्याण में बहुत लोग हैं मेंढे पालने वाले, जैसा ओएस फरीद हो गया ये बहुत अच्छा है मेंढों में जो ताल्लुकात में मेरे बता रहा हूँ, फिर रिस्कान घारे हो गया, जैसे दो चार बहुत अच्छे हैं जो अच्छी पलाई करते हैं और अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह ये लोग, बेशक मेरी मेरा है एक्सपेक्टेशन 120, आप 110 से 120 पकड़ के चलो। और अपने से कंसर्न भी इससे बोलना कर इसकी एकदम बता दो ऐसे बच्चे के ना, मैंने खुद लेने के लिए फ़ोन करता हूँ जब ये साइज़ के 80-80 हज़ार रुपये पूना में या बहुत आसपास की जगहों पे बोले मांगते हैं, देते होंगे कम में, बस इसकी सीधी देने की बता दो अरफात भाई, क्योंकि अपने दरवाजे पे आए हैं तो अपन रेट में ही देते हैं अपना, इसलिए नाम चलता है ऑनलाइन। मैं इंशाल्लाह ये बच्चा 45,000 फाइनल कर देंगे, फाइनल इसमें नेगोशिएट नहीं, नहीं नहीं इसमें नहीं कर पाऊंगा अरफात भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको 80,000 में से मंग चुका है, वो भी चार दांत के बच्चों के मंगने वाले हैं नज़दीक में 80,000। ये तो अपना जो क्वालिटी का उसका रिकॉर्डर देखो अरफात भाई खाली आप साइज है ना उसकी, और सिक्के सिंग और मसला ऐसी दो दांत होगी, दो दांत की पोजीशन से बात करता है उसका, ये YouTube का ये है अच्छा ठीक है ना एकदम, मतलब समझ जाओ जिसको चाहिए रहेगा ना उसको पर्सन में वेट और दांत की वीडियो दे देना जी जी, किसी को चाहिए तो थोड़ा सा ये मसला है इसमें ठीक है। तो इसके बाद मैं हम आगे देखते हैं दूसरा, अगर इसको चाहिए तो एक बार नंबर रिपीट कर दो फिर से, नंबर बता देता हूं सब अपने काम का 8976171777 व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों। तो ये टेरेस पे फिलहाल अपने जो मेंढे थे उनका कलेक्शन कंप्लीट हो गया है, बराबर छोटे बकरों से स्टार्ट करते हैं, तीन बकरे हैं जो सेल के लिए है, ये पले हुए हैं, ये सब पले हुए अपने पास ही है, दो महीना पले कुछ चार ये बच्चा भी अपना दो महीना पला है और उसके बाद के जो सालों से। तो ये बच्चा जो है कौन सी क्वालिटी का है? ये जमुनापारी हंसा में आएगा, गुलाबी में है और मार्बल और ये मिक्स इसमें है वो ठीक है, इसके खोल और दिखा दो आपको, दांत किया अभी दो दांत करा इसने भाई और झालर इसकी देख सकते हैं मस्ती करता है बहुत, इसकी झालर में बहुत प्यारी आता है।
और बहुत शॉर्ट हाइट है बराबर है लेकिन फिर भी दो दांत जो किया है डायरेक्ट कुर्बानी के लिए कोई भी इसको ले सकता है। हाँ ले सकता है और दाम में भी देंगे ना। वेट कितना रहेगा इसका? मेरे ख्याल 35-40 kg 35-40 इंशाल्लाह अप्रॉक्स बोल रहा हूँ क्योंकि जानवर जो है ना अरफात भाई हाँ। ये खाया है और अच्छा खासा भरा हुआ है। ओके गोल है मतलब बारीक नहीं कि बाल की दुकान है ना पा रही है तो वेट कम रहेगा। क्या आस्किंग प्राइस है इसके अरफात भाई? अपन इंशाल्लाह छोड़ देंगे मंग रहे 21 है फाइनल 20 में कर देंगे। फाइनल 20 में कर देंगे या इसमें भी चलो स्लाइटली एकदम कर दूंगा बाकी ये हंसा मंगाना 2-3 हज़ार ट्रांसपोर्ट कराना उसको सेट करना और ख़रीदना उससे बेटर है प्राइस के हिसाब से मेरा अंदाज़ा। ठीक है इंशाल्लाह फिर देखेंगे जिसको चाहिए तो इंशाल्लाह कांटेक्ट करेगा। हाँ मतलब जिसको कम बजट में हंसा की कुर्बानी करानी उसके लिए बेस्ट है। बहुत अच्छा है कान बीन की लंबाई भी अच्छी खासी आई है बहुत खूबसूरत उसका हाइट थोड़ी छोटी है दांत जल्दी निकाल दिया। हाँ दांत जल्दी कर दिया था बहुत प्यारा। ठीक है चलेगा इसके बाद जो बकरा है आगे दूसरे जो बकरे हैं कोटा राइट? नहीं नहीं ये अपना है मेवाती। अच्छा तोता कुली इसको बोलते हैं अपने इधर लोकल तोता कुली बोलते हैं। हाँ लोग मेवाती भी बोलते हैं। और ये दूसरा है गुजरी क्वालिटी के बच्चे मैंने 3-3 महीने के लाया था अच्छे देख के ब्रीड लाइन अभी माशाल्लाह तकरीबन 1 साल हो गया इनको 1 साल हो गया इनको पाल के अपने पास ही अपने पास। ये कितने दांत पे? ये 14 दांत की है 4 दांत की है 4 दांत का है माशाल्लाह इसकी लटक ब्रीडिंग क्वालिटी के लायक का रफत भाई माशाल्लाह इसकी जो लटक है ना कान और सी मतलब गुजरी में एंड क्वालिटी बहुत खूबसूरत इसके फर भी काट चुके हैं बाल काटे हैं बाल कटे हुए क्या? हाँ नहीं तो बाल बहुत इसको अच्छे घने आते हैं पीछे से ये झालर इसकी देखेंगे क्या डिटेल है इसकी वही अरफान भाई मेरे ख्याल से 37 के आसपास हाइट रहेगी मापा तो नहीं कभी मैंने ना वजन करा हुआ जानवरों का घर के सोच के अपन ने पाले थे और 60 किलो वेट रहेगा मेरे ख्याल से अप्रोक्स 55-60 पकड़ लो। हाँ 55-60 पकड़ना चाहिए। क्वालिटी का मतलब अपन क्वालिटी के लिए बता के सेल करें वेट के ऊपर नहीं करना तो लमसम इसका अमाउंट भी रहेगा केजी के ऊपर अमाउंट नहीं 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 ये ब्रीडिंग क्वालिटी बोला ना मैं भाई ब्रीडिंग क्वालिटी का मतलब इसकी फर की क्वालिटी देखो ये सब बच्चे वैक्सीन सेट मतलब 2-2.5 महीने के बच्चे लाया था पूरा साल भर पाले अपन ने। ओके तो क्या एक्सपेक्टेशन है इसको समझो ना जोड़ी में बता दो सिंगल सिंगल बता दो सिंगल बता दो जोड़ी में बता दो जैसा तुमको सेल करना है वही सब ठीक है कोई सिंगल लेगा तो ये मैं फाइनल लेना 45 में दे दूँ 45 में फाइनल दे देंगे फाइनल दे दूँगा 45 में और कुछ और जोड़ी में रहेगा तो अगर ये जोड़ी में रहेगा उसके तो ये बड़ा है ये तीसरा चौथा कर रहा है okay. और ये 38 के आसपास इसकी हाइट रही 38 की हाइट रही और 60 इसकी हाइट कितनी रही 37 रहेगी मेरे इसकी 37 नहीं है इसकी 38 की हाइट है और तीसरा दांत कर रहा है तीसरा हाँ तीसरा चौथा निकाल रहा है दांत और ये 65 किलो रहेगा मिनिमम 65 किलो हाँ क्वालिटी देखो ना कान मीन की साइज़ देखो पप्पा है और जो एंड क्वालिटी इसको पंच देखो और जो रिंकल लाया ना उसने हाँ। तीसरे चौथे दांत पे ये देखो और कान की साइज़ बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से तकरीबन 1 फीट के आसपास कान है इसके और ये अकेला चाहिए होगा किसी को तो ये अकेला दे देंगे अपन 47 में 47 और जोड़ी में एक ऑफर दे देंगे और पल्टी करने लायक की चीज़ है ज़्यादा भी 4 दांत मतलब कुछ भी नहीं अरफात भाई इनकी मैक्सिमम 1.5 साल के रहेंगे हाँ मैक्सिमम 4 दांत पर है तुम्हारे पास ही पले हुए ना ये हाँ मेरे पास ही 2 या 3 महीने के थे और साल भर पूरा पाला पिछले बकरीद के थोड़ा पहले लिया था तो ठीक है चलेगा जिसके भी जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह अपन दूसरा सेटअप भी देख लेते हैं इसके आगे जोड़ी में एक ऑफर है अरफत भाई बोलो ना जोड़ी में क्या ऑफर है 90 में दे देंगे मतलब 40 ईच नहीं 45 ईच 45 सॉरी 45 ईच जी ओके ठीक है चलेगा और सब हो चुका है।